यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही हरियाणा में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई कुछ हिंसक घटनाओं में दर्ज मामलों की जांच की जाएगी, जिसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी मामलों की जांच करेगी और जो भी निर्दोष होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस पर कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए की। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में आगजनी की घटना हुई थी। 2 अप्रैल को किसी एक विषय को लेकर के समाज में एक जिसको कहना चाहिए एक आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए कुछ धरने हुए, कहीं लोग इकट्ठे हुए और उसमें से कहीं कहीं गलत एलिमेंट उसके अंदर घुसे और जो गलत एलिमेंट घुसे उन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भी किया। अपने समाज के कुछ लोग आ रहे हैं कि उस दिन कुछ केसेस जो बने हैं वो निर्दोष लोगों पर बन गए हैं। मैंने उनको कल आश्वस्त किया क्या कि किसी निर्दोष व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होगा। मैं आज उस विषय का कल के उस विषय के आज आपके बीच में घोषणा कर रहा हूं कि एक हम रिव्यू उस सारे केसेस की एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे और उस रिव्यू कमेटी में एक आईएएस अधिकारी होगा, एक आईपीएस अधिकारी होगा और एक जनता का कोई अच्छा एडवोकेट होगा। तो ऐसे 3 लोगों की रिव्यू कमेटी बनेगी। सब जितने भी केसेस है लगभग 100 के आसपास लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनका सबका रिव्यू करने के बाद अगर कोई प्रमाण है तब तो दोषी माना जाएगा, अगर किसी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है उसको निर्दोष मान करके उसको छोड़ दिया जाएगा और उन सब केसेस के ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। ये घोषणा मैं आज के आपके सामने कर रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे कि कोई निर्दोष व्यक्ति फंस गया है।